जब मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के साथ एक चटियल मैदान में थे जहां पर खाने और पीने के लिए कुछ ना था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए आसमान से खाना नाजिल फरमाया, जिसका जिक्र सूरह मायदा में तफसीर के साथ मिलता है कि बनी इसराइल के लिए मन व सलवा उतारा गया। ये 2 तरह का खाना था, एक का नाम था मन और एक का सलवा। मन रोजाना सुबह आसमान से ओस की बूंदों की तरह पेड़ के पत्तों पर जम जाया करता था, जो बिल्कुल सफेद शहद के जैसा एक हलवा होता था, और सलवा पकी हुई बटेर था जो एक किस्म का परिंदा होता था जिनके झुंड रोजाना दक्षिणी हवा के साथ रात को जमीन पर उतरते, जिसको बड़ी आसानी के साथ बनी इसराइल पकड़ कर भून कर खाते। यह सब अल्लाह की तरफ से था, लेकिन साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कल के बारे में सोचकर खाना बचाना मत। लेकिन कुछ नाफरमान लोग सोचने लगे कि अगर किसी दिन ये खाना नहीं आया तो हम क्या खाएंगे, और छुपके से खाना बचाने लगे, तो अल्लाह का अजाब आया और वो सारा खाना सड़ गया, खराब हो गया।